चली गई जो है, तो इस गांव में जो है हॉस्पिटल कोई नहीं पहुंच पाया लेकर के अपना मरीज। डिलीवरी मारा मरीज मर गया, यहां सर्प काटने से मर गया, सबकी मृत्यु हो गई। यहां प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। जब तक प्रशासन नहीं आएगा हम यहां से मिट्टी नहीं हटाएंगे। पूर्वांचल के विकास में जनप्रतिनिधियों के माथे पर एक और विकास रूपी कलंक का टीका लगा, जिससे जनप्रतिनिधि गौरवित और गर्व महसूस करेंगे और जनता आभार प्रकट करेगी कि हमने विकास पुरुषों को चुनकर सरकार बनाई है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदान न्यूज। त्योथर ग्राम पंचायत पूर्वा मनीराम के मझिगवा में देर रात्रि जहरीले सांप के काटने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सांप काटने के उपरांत कीचड़ दलदल भरे रास्ते में अस्पताल तक न पहुंच पाने पर महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की समस्या निर्मित होने की वजह से पूर्व में कई घटनाएं हो चुकी हैं, परंतु क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों द्वारा निर्मित सड़क की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पूरे घटनाक्रम की जानकारी अधिकारियों को दी गई है, परंतु अभी तक मौके पर कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचा है। आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक वहां रोड न पहुंचना सरकार पर एक कालिक से कम नहीं। शासन प्रशासन से मांग है कि तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मांगों को सुने। हालांकि किसी की जान तो वापस नहीं की जा सकती, लेकिन आगे कोई अन्य घटनाएं न घटित हो सरकार को वहां तक रोड जल्द से जल्द बनवाने का आश्वासन देकर समस्या का समाधान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदान न्यूज। यहाँ जो है तो मिट्टी चार चार जो है जाने चली गई जो है, तो इस गांव में जो है हॉस्पिटल कोई नहीं पहुंच पाया लेकर के अपना मरीज। डिलीवरी मारा मरीज मर गया, यहाँ सर्प काटने से मर गया, सबकी मृत्यु हो गई। यहाँ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। जब तक प्रशासन नहीं आएगा हम यहाँ से मिट्टी नहीं हटाएंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक आकर के यहाँ का निरीक्षण नहीं किया जाता है। चाहे एक महीने मिट्टी रखी रह जाए हम धरना देंगे। सड़क के अभाव से यहाँ जाने जा रही है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन आज तक यहाँ नहीं देख पाया कल्याण कितने डिलीवरी कैसे महीने मर गई, कल्याण कितना सर्द के काट रहे, कल्याण कितना पेट के दर्द से। यहाँ प्रशासन नहीं आ रहा है। हम ये लोग भी यहाँ के नागरिक हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और चाहे एक महीने बीत जाए धरना देंगे। एसडीएम कलेक्टर के लेकर